दोस्तों ये मुझे पड़ा है सिर्फ 24,999 रुपये का। दोस्तों ये 24,999 कैसे पड़ा है ये मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये फ़ोन इस कीमत में आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तब इसकी कीमत दी थी दोस्तों 50,000 से ऊपर। बट अभी ये फ़ोन आपको एक नॉर्मल कैटेगरी के फ़ोनों में मिल रहा है 25,000 रुपये में। तो क्या आपको ये लेना चाहिए, क्या ये फ़ोन इस प्राइस के हिसाब से बेस्ट है? तो दोस्तों आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये फ़ोन आपके लिए कितना बेस्ट रहेगा। और अगर आपको ये फ़ोन नहीं चाहिए तो आप इसके लिए कौन सा ले सकते हो। वैसे आपको सब कुछ बताऊँ इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल पहली बार आए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मैंने चेक करने के लिए बॉक्स पहले ओपन कर लिया था, बट मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए जी S20 FE हमारे पास क्लाउड मिंट कलर, जिसका है मेरे पास 8128 वाले वेरियंट। ये दोस्तों इसका इनवॉइस, इसका बिल। तो दोस्तों देखिए जी है S20 FE, जिसके पीछे दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया था क्योंकि चेक करने के लिए। तो दोस्तों देखिए जी S20 FE, जिसके ऊपर दोस्तों इसकी जो प्राइस है MRP वो है 74,999 रुपये। और इसमें हमें दोस्तों इजेक्शन पिन, मोबाइल फ़ोन और दोस्तों यूजर मैनुअल वगैरह मिलते हैं। और इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है 15 बॉटल चाहिए। तो दोस्तों पहले मैं बॉक्स ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको सारे कंटेंट दिखाता हूँ। तो देखिए ये इसका बॉक्स है, बट इसके अंदर हमें एक और बॉक्स मिलता है जिसमें दोस्तों हमें एक इजेक्शन पिन मिलती है, जो कि दोस्तों मैंने निकाल दी। और इसके अंदर मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क, जिनको कोई रीड नहीं करता। चलिए इसको साइड में रखता हूँ। जी दोस्तों इसका फ़ोन ग्राउंडमेंट। और इसमें दोस्तों हमें मिलता है एक 15 वॉट का चार्जर, जो नॉर्मल चार्जर है दोस्तों, बट इसके ऊपर लिखा हुआ है फास्ट चार्जर। दोस्तों फास्ट चार्जर कैसे है ये तो मुझे पता नहीं, बट जी सिर्फ 15 वॉट का है। जी है दोस्तों इसकी डाटा केबल, जो है दोस्तों USB A to Type C। देखिए टाइप सी और USB A। दोस्तों इसको ही मैं रखता हूँ, क्योंकि मैं इस फ़ोन को इस चार्जर से चार्ज करने वाला नहीं हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक 25 वॉट का चार्जर है सैमसंग का। चलिए इन सबको मैं हटाता हूँ। और जी है दोस्तों मेन फ़ोन। तो दोस्तों देखिए ये मेरे पास क्लाउड मिंट कलर सैमसंग का, जिसमें दोस्तों आपको 3 कैमरा सेट मिलता है, 12+12+8। और इसके फ्रंट में दोस्तों मिलता है 32 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों कैमरे के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है, मैं आपको अभी फ़ोटो दिखाऊंगा इसमें जो इसी फ़ोन से ली गई हैं। तो दोस्तों इसके बैग की बात करूँ तो आपको इसमें प्लास्टिक बैग मिलता है, बट आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे आपको ग्लास का बैग मिलता है, वैसे प्लास्टिक का बैग है। इसके फ्रंट में दोस्तों हमें मिलती है कोरनिन गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। और दोस्तों इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.5 इंच की इसकी डिस्प्ले है इस तरह से। और इसके अंदर दोस्तों आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है, इसमें आपको जो डायनेमिक डिस्प्ले मिलती है वो नहीं मिलती, इसमें सिर्फ मिलती है फुल HD वाली, जो दोस्तों आपको M सीरीज और A सीरीज में मिलती है वही वाली। इसमें दोस्तों आपको 2 SIM लगाने का ऑप्शन मिलता है, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें 2 SIM लगाओगे तो फिर आप इसमें HD कार्ड नहीं लगा पाओगे, यानी दोस्तों आपको मिलता है इसमें हाइब्रिड स्लॉट। दोस्तों वैसे ही आपको सब कुछ पता होगा इस फ़ोन के बारे में कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी पुराना है, पर फिर भी मैं आपको एक बता रहा हूँ। इसमें दोस्तों हमें डुअल स्पीकर मिलते हैं, एक स्पीकर यहाँ पे है, एक ऊपर है यहाँ पे, डुअल स्पीकर स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं दोस्तों इसके अंदर। और इसमें दोस्तों आपको जो 3.5 mm जैक का वो नहीं मिलता। दोस्तों इसमें आपको मिलता है प्रोसेसर की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 865, जो दोस्तों एक अपने टाइम का काफ़ी अच्छा प्रोसेसर था, बट अभी देखा जाए तो अभी आपको 888 Gen 1 और दोस्तों 870 काफ़ी अच्छे प्रोसेसर मिलते हैं। बट जिस प्राइस पर दोस्तों ये फ़ोन अभी हमें मिल रहा है उस प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि 25,000 रुपये में दोस्तों आपको डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर मिलते हैं, बट 865 दोस्तों प्रोसेसर जो है वो काफ़ी अच्छा है। अब ये फ़ोन दोस्तों आपको क्यों लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? दोस्तों इसके ऊपर टेम्पर ग्लास लगा हुआ है, इसलिए ये थोड़ा बबल आ रहा है इसमें, मैंने लगा दिया था। और इसका कवर ही दोस्तों मैंने मंगा दिया था, क्योंकि कोई दिक्कत ना है, क्योंकि बॉक्स के अंदर दोस्तों ना कवर मिलता है और ना ही इसके ऊपर कोई टेम्पर लगा हुआ आता है। तो इसका कवर दोस्तों मैंने मंगा दिया था जेरा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए लगाने के बाद दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो। तो मैं पहले इसको ऑन करता हूँ। और दोस्तों इस फ़ोन की और जियो बैक कवर है, इसकी दोनों को ख़रीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि कवर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा देखने में। देखिए कैमरा ये हमारा प्रोडक्ट है और देखने में फ़ोन काफ़ी वो कैमरा
ये हमारा ये कवर है काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये साइड से दोस्तों ये कॉर्नर है काफ़ी अच्छे हैं ये। तो दोनों को ख़रीदने का लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो दोस्तों मेरे तक सेटअप बुरा है, मैं आपको बताता हूँ इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों ये फ़ोन उन लोगों को लेना चाहिए जिन लोगों का नॉर्मल यूज़ होता है, जिन लोगों को अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए, एक फ्लैक्सिबल लेवल वाला फ़ोन चाहिए, जिनको चाहिए एक ऐसा फ़ोन जो सैमसंग कंपनी का हो, जिसके अंदर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिले, बिल्कुल भी लैग ना करे। तो उन लोगों के दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी बैटरी अगर आप नॉर्मल यूज आपका ज़्यादा हैवी यूज नहीं करते तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको इस फ़ोन में 1 से 1.5 दिन की बैटरी का बैकअप मिल जाता है। और मैं आपसे बोलूँगा कि इस फ़ोन के साथ जो चार्जर आता है आप उससे इसको चार्ज ना करें, आप एक 25 वाट का चार्जर ले लें जो दोस्तों आपको 1000 से 1100 रुपये का समथिंग मिल जाएगा। जब आप उससे इसको चार्ज करोगे तो काफ़ी फास्ट चार्ज होता है। तो देखिए मैंने सेटअप कर दिया दोस्तों, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है इसकी, देखिए। तो जिन लोगों का दोस्तों काफ़ी हैवी गेम खेलने हैं, जिन लोगों का सिर्फ गेम ही खेलना है उनको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ गेमिंग से मतलब होता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में ये फ़ोन इतना अच्छा नहीं है। चाहे दोस्तों ये किसी भी कीमत पर आए बट गेमिंग के मामले में दोस्तों ये इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि 865 दोस्तों जो प्रोसेसर है वो काफ़ी हैवी है, काफ़ी अच्छा है, बट अभी देखा जाए आज के टाइम में तो इतना पावरफुल नहीं है गेमिंग के हिसाब से। तो जो लोग सिर्फ गेम खेलते हैं, जिनको हैवी गेम खेलना है, वो दोस्तों इसको स्किप कर सकते हैं, बट जो थोड़े बहुत गेम खेलते हैं, थोड़ा छोटा मोटा गेम खेल लिया गेम तो इसमें कोई सा भी चल जाएगा, बट जो कम गेम खेलते हैं, जिनको सिर्फ वीडियो फोटो सॉन्ग और छोटे मोटे इससे मतलब है, वो लोग इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा दोस्तों आपको इसमें और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। 25000 रुपये में दोस्तों जी अब आपको कैसे मिलेगा जी भी दोस्तों मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपना अमेजन खोलना है। आपको इसे बताया कि अमेजन पर काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, जबकि दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल, पर दोस्तों आपको अमेजन पर इसको देखना है। जब आप अमेजन पर इसको देखोगे तो दोस्तों देखिए आपको मोबाइल वाले कनेक्शन में सिलेक्शन में जाना है, ऊपर दोस्तों सबसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, देखिए आपको दिखाता हूँ अभी सैमसंग का। यहाँ पर दोस्तों आपको सैमसंग का डिवाइस सिर्फ 25000 रुपये मिल रहा है। कैसे मिल रहा है ये दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो जब आप इसको देखिए सैमसंग पे क्लिक करना है आपको, तो दोस्तों देखिए सैमसंग गलेक्सी S20 FE 5G 24999 कैसे मिलेगा। आपको क्या करना है, जब आप इस फ़ोन को सिलेक्ट करोगे तो देखिए यहाँ पे इसकी रेट दिखाई जा रही है 30000 रुपये, बट इसमें दोस्तों आपको एक 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है अलग से, ये देखिए कूपन डिस्काउंट 2000 रुपये का है, प्लस दोस्तों आपको 3000 रुपये का बैंक ऑफ़र, प्लस 1650 रुपये का दोस्तों आपको एक्सचेंज ऑफ़र मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये 24999 रुपये का पड़ सकता है, अगर आप जिस तीनों ही ऑफ़र अप्लाई करते हो, आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, प्लस दोस्तों आपके पास अगर कोई फ़ोन है पुराना जिसको आप सेल करना चाहते हो तो आप उसके यहाँ पे एक्सचेंज करोगे तो आपको 1650 रुपये का एक्स्ट्रा बैलेंस आपको उस फ़ोन पे लग के मिलेगा एक्सचेंज में। तो इस तरीके दोस्तों जी आपको 25000 का मिल सकता है, मैंने भी दोस्तों इसको इसी तरीके से खरीदा है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप एक ऐसा फ़ोन देख रहे हो जो आपको 3 से 4 साल तक आराम चल जाए आराम से और आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो आप इस फ़ोन से जा सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।